रखने का आप यहाँ पे डिजाइन देखें। तो ये पानी छाने के लिए इस्तेमाल के लिए जो कैन है, माउन के डिकेन था ना नाम है, ये तो आप देख सकते हैं बर्तन रखने की जगह। ये बर्तन पड़े हुए आप देख सकते हैं, ये लाइट है ना, यहाँ पे बिजली नहीं है तो ये सोलर पे भी चार्ज हो जाती है। छोरा उठाना, ये पानी शानी भरने के लिए, पानी तो यहाँ पे बिल्कुल नजदीक नहीं है, सही है। और दूसरा समझ लो ये किचन भी है, जब गर्मी होती है तो ये इस्तेमाल के लिए, ये झोंपड़ी है साथ में। अरे नसीब तू आधा में तो ये जनाब इस कमरे का मालिक है, आप देख सकते हैं ये इनका कमरा है, सही है। सर्दियों में रहने की मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, बहुत ही अलग और यूनिक किस्म का। तो ये चादरें वगैरह रखने के लिए, और ये जो है चारपाई है, बर्तन छर्तन पड़े हैं। तो माल मवेशी ले लो आने को ना, चाहे कोई बच्चा वगैरह हो तो यहाँ पे रात को रखने के लिए। ये जो है ना इसमें मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, इसमें रोटी वगैरह रखने के लिए, घी वगैरह, और ये जो है ना सर्दियों में चाय वगैरह, और ये कुछ बर्तन पड़े हैं। हाँ तो मैं आपको जो है ना रोही की शाम की रूटीन दिखाता हूँ, सही है। ये देखें जी, पहले जो है ना इसको पप्पी इनका है स्पेशली, जो है ना इसको पानी पिलाया जा रहा है, मुझे मेरी तरफ आ गया। और ये मुर्गियों को शाम को जो है ना कमरों में डाल दिया जाता है, इनके जो है ना जो खुडे शुडे बने हुए हैं। और शाम बिल्कुल हमें यहाँ पे हो चुकी है, और ये मैं रहा, सही है। आज जो है ना हमें रात यहाँ पे चोलिस्तान में गुजारनी पड़ गई, यहाँ पे ना लाइट है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, सही है। ये हसनु साहब है, आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से कपड़े पहन के घर का मालिक है भाई यहाँ का। और शाम जो है ना बिल्कुल ढलने के करीब है। तो यहाँ पे देखें ये बच्चे है भाई, इस हालत में बहुत अच्छी हालत है, ठंड है, बहुत ही खुश मिजाज और ज़बरदस्त तरीके के हैं मेल मिलाप में। एक ये है जिसने जो है ना बकरियाँ शकरियाँ यहाँ पे बांधी हुई है, आग अंदर बकरियाँ दिखा रहा है। तो ये जो है ना सर्दियों से ठंड से बचाने के लिए इन्होंने बकरियों के लिए जो है ना कुछ क्या बोलते हैं बाड़ा, जो भी आप समझ लें, देख के आपको जो है ना सर्दियों से बचाने के लिए या कहीं भाग के ना जाएं, तो ये इन्होंने रस्सी रखी हुई है। तो जनाब ये मालिक है यहाँ का, सही है, चौधरी है हमारा। और ये इसकी दो भेड़े हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक किस्म का इन्होंने जो है ना सिस्टम किया हुआ है ठंड से बचाने के लिए। यह देखें रोही के रंग, सही है, रोही में किस तरह लोग जिंदगी बसर करते हैं, ये इनका कल्चर है। तो ये जो सामने बिल्कुल देख सकते हैं, ये इनके मतलब कि ये जो बकरी है इनका समझ लो घर है ठंड से बचाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, इतना मनो। तो ये देखें भाई अंदर से ये दो भेड़े, ये बंदा मुझे सीरियस लग रहा है। तो जनाब फाइनली हम जो है ना 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद चोलेस्तान रोही पहुंच चुके हैं। यहाँ का मैं आपको कल्चर बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके का मैं आपको दिखाता हूँ, इनका रहन सहन, माल मवेशी बांधने की जगह, खाने पीने का, और इनके घर किस तरीके के हैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ यूनिक। तो हम वहाँ से 11 बजे निकले थे और तकरीबन जो है ना
दो होने वाले हम पहुंचे और ज़बरदस्त सा इनका कल्चर है और धूप यहाँ पे निकली हुई है, वहाँ पे धुंध थी। तो आपको दिखाता हूँ, हमने मोटरसाइकिल में वहाँ से सफ़र किया और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि नज़दीक नज़दीक कोई भी घर नहीं है। तो लोग को यहाँ से हम करते हैं शुरू और मैं आपको मज़े मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ। तो मालिक साहब के पास हम रुके हुए हैं। ये गुल्लर आप देख सकते हैं, ये गुल्लर रखी खड़ा, तो रोही का आप एरिया चेक करें। जनाब ये रेडी है, ये घर का मालिक है, सही है, ये मेरे मामू का बेटा कजन हो गया। ये चारपाई आप देखें और ये तंदूर है गर्मियों में रोटियां बनाने के लिए। हाँ अच्छा अच्छा जनाब, तो फाइनली हम जो है ना रोहित चुलेस्तान में मामू के घर पहुंच चुके हैं। अपने मामू का घर में भी आपको दिखाता हूँ। और आज जो है ना हमने जाना था वापस घर, क्योंकि कल मैंने निकलना है इस्लामाबाद की तरफ, तो आज जो हमने जो है ना रात यहाँ पे गुजारनी है। मैंने तो मैंने इस मामू कह रहा काफ़ी कह रहा कि जिद कर रहे कि रात इधर रह जाओ, तो हम रात रहते। ये है मामू का घर, ये सामने किचन है, साथ में बकरियाँ हैं, ये मामू का कमरे है। रोही की कुछ जिंदगी इस तरह की होती है, मुश्किल भी होती है और जो रह जाते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होती। ये साथ किचन है आप देख सकते हैं, और ये बकरियां हैं कुछ, और ये मेल है, मतलब कि ये एक जिससे चीनी बनती है उनके एक अलग से जो वेस्ट निकलता है ना बकरियां वगैरह, और ये चीज़ बहुत महंगी है यहाँ के, कीमती समझ लें।